हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और थंबनेल और टाइटल देख के आपको समझ आ ही गया होगा कि वीडियो किस बारे में होने वाला है। और इस वीडियो में यार बात करने वाले हैं खान सर के बारे में। खान सर का जो सबसे पहले बात करते हैं, खान सर हैं कौन? खान सर का एक यूट्यूब चैनल है जिसमें कि वो अपने वीडियोज़ वगैरह डालते हैं, एजुकेशनल वीडियोज़ होते हैं, जीएस की, मेनली जीएस की वीडियोज़ हो गई। और उनका खुद का एक ऑफिशियल ऐप है, वहाँ पर वो ज़्यादा पढ़ाते हैं। उसके बाद बात आती है यार इनके ऊपर कॉन्ट्रोवर्सी क्या चल रही है। कॉन्ट्रोवर्सी में था इनका नाम है खान सर, आपने सुना होगा, आर डी शर्मा, आरएस अग्रवाल हो गया, इस टाइप के और भी नाम आपने सुने होंगे। जिसमें कि क्या होता है कि लोग अपने फर्स्ट नेम नहीं बताते, उनको पसंद नहीं होता है, जो भी इशू है उनको नहीं लगता बताना अच्छा, या कुछ भी हो सकता है यार। इसी तरीके का खान सर का नाम है। खान सर ने बस अपनी बुक्स वगैरह भी, जो भी ISBN नंबर लिया था, बुक्स को अगर कोई भी आप लिखते हो या उसको रजिस्टर कराने के लिए यू नीड अ नंबर विच इज़ ISBN। और उसके बाद क्या था, ISBN नंबर के बाद उसी नाम से इनका रजिस्टर हुआ है, खान सर के नाम से। जैसे कि डी के गोयल का हो गया है, क्योंकि मैं अकाउंट से हूँ, एक दो बुक्स का नाम पता है, ज़्यादा तो पता भी नहीं है, बट यही सब होता है इसी तरीके से। तो बात करते हैं यार कॉन्ट्रोवर्सी के बारे में। तो खान सर ने एक वीडियो डाला था 24 अप्रैल को, जहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा पाकिस्तानियों को थोड़ा सा उनको बोला था कि मजाक उड़ाया था, क्योंकि उनका जो पॉलिटिशियन या रूल्स वगैरह, रूल्स रेगुलेशन है उसको उसको लेके आपने देखे होंगे, न्यूज़ वगैरह देखे होंगे कितने सारे, तो थोड़ा सा मजाक उन्होंने उड़ाया था इसी चीज़ को लेके। अब बाकी लोगों के माइंड में क्या है, लोगों को ने देखा कि यार ये तो ऑलरेडी मुस्लिम है, खुद ही खान है, खुद ही अपने मजाक उड़ा रहा है उधर। और उसमें क्या हुआ कि उन्होंने एक जगह बोल दिया कि मेरा नाम अमित कुमार है, क्योंकि बच्चे जो हैं उनसे पूछते रहते थे कि भाई सर आपका क्या नाम है, क्या नाम है, ऐसे करके। कभी वो फैजल खान बोलते हैं, कभी जालिम खान बोलते हैं, तो भाई मजाक में कुछ ना कुछ नाम वगैरह बोलते रहते। तो उन्होंने उस दिन बोल दिया मेरा नाम अमित कुमार है, मुझे बैंक में अमित कुमार के नाम से जाना जाता है। उन्होंने ये नहीं बोला कि मेरा नाम अमित कुमार है। अगर आप वो हैं बिहार से, बिहार या पटना से हैं, तो उसमें क्या है कि वहाँ पर आप लोगों को देखोगे, जहाँ पहले मैं रहता था वहाँ पर मेरे आसपास भी थोड़ा बहुत मुसलमान थे, वहाँ पे क्या है, वो लोग हर फेस्टिवल मनाते थे, सरस्वती पूजा, सारी पूजा, दुर्गा पूजा, सब कुछ मनाते थे भाई, क्योंकि वो अपने आप को इसका पार्ट मानते हैं, इंडिया का पार्ट है, वो जितने फेस्टिवल आते हैं सब कुछ सेलिब्रेट करते हैं। तो खान सर के कुछ वीडियोज़ आपका फ़ोटोज़ वगैरह उनको मिली कि भाई इंस्टाग्राम या जहाँ पे उनको मिला होगा फ़ोटोज़ वगैरह मिली, तो उन्होंने डाला कि खान सर मुस्लिम हैं, हिंदू हैं। तो मेरा क्वेश्चन है आपसे, अगर आप एक वीडियो देख रहे हो वाली, तो आपके अगर आप कभी स्कूल कॉलेज में गए हो, किसी क्लास में गए, ट्यूशन में गए हो, क्या आपके टीचर ने कभी आपसे पूछा है कि आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, सिख हो, क्या हो? नहीं। तो एक टीचर के ऊपर क्यों ये सब चीज़ें प्रेशर डाला जा रहा है, जब उनका मन नहीं है बताने का तो क्यों डाला जा रहा है? अगर आप किसी से शायद आसानी से पूछ लोगे, थोड़ा सा रिक्वेस्ट करके सर बता दो या वैसे, तो शायद वो बता देते, लेकिन लोगों ने क्या किया, उनकी एक कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी कि भाई ये शायद हिंदू है, मुस्लिम है, या कोई फ्रॉड है, क्या है, बहुत सारी वीडियो ऐसे क्रिएट करना शुरू कर दी। मेरा फाइनल जवाब ये है सब लोगों को कि वो एक टीचर है खान सर के नाम से, उनका जब मन करेगा, उन्होंने अपना खुद बोला, जब मेरा मन करेगा मैं खुद बता दूंगा आपको, जब आप मेरे से आराम से पूछते मैं आपको बता देता। उनका यहाँ तक यार डिमोटिवेशन इतना आ गया था कि वो YouTube छोड़ने वाले थे, कुछ टाइम पहले उनका वीडियो भी ऐसे आया था कि वो YouTube छोड़ रहे हैं। खान सर इतनी अच्छी वीडियोस बनाते हैं, उसमें मान लो एक 8वीं का बच्चा है वो भी हिस्ट्री पढ़ने में इंटरेस्टेड हो जाएगा, फ्री में ज्ञान मिल रहा है, लपेट वेयर उसको कॉन्ट्रोवर्सी में कन्वर्ट मत करो। इस वीडियो के लिए देते हैं, और कमेंट्स में खान सर ओपी लिख देना, और थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।